पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड पहली बात तो है क्या, हम थैंक यू तो बोलते ही हैं, और ग्रैटिट्यूड इम्पोर्टेंट क्यों है, हम तो नॉर्मली थैंक्स बोल रहे हैं ना, उस भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन वो डीपली नहीं समझ पाते कि ग्रैटिट्यूड है क्या, किस तरह का शुक्रिया, किस तरह की ग्रेटफुलनेस हमें हर टाइम रखनी है अपने अंदर, ठीक है। सो देखिए, ग्रैटिट्यूड इज सो इम्पॉर्टेंट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, जो भी आपको चाहिए लाइफ में उसको पूरा करने के लिए, उसको पाने के लिए, व्हाई दिस ग्रैटिट्यूड इज सो इम्पॉर्टेंट, मतलब दिल से होना चाहिए। देखिए, एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा जो कि बहुत पिकी चाइल्ड, यू नो, बहुत चूजी जिसे हम कहते हैं कि बच्चे तो खाने को बोलो, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, तो एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, उसको उसकी मदर पूछती है कि क्या खाना है, और वो बच्चा कहता है कि मुझे तो आज राजमा चावल खाना है, और मदर कहती है कि बेटा राजमा चावल तो है नहीं आज, आज तो हमने कुछ और बनाया, लेट्स से मेथी का पराठा बनाया, दैट ग्रीन पराठा, यू लाइक इट। सो ही सेज कि नहीं, मुझे तो आज राजमा चावल ही खाना है। एनीवेज, उसको किसी तरह से मेथी का पराठा खिलाया जाता है, ओके, एंड देन वो बच्चा बड़ा सैड होके जैसे तैसे करके खा लेता है। नेक्स्ट डे टू सरप्राइज हिम, मदर कुक्स राजमा चावल फॉर हिम, एंड देन दिस चाइल्ड कम एंड सेज कि मम्मा क्या बना है, एंड मम्मा सेज वाओ टुडे राजमा चावल इज देयर इन लंच और डिनर आपके लिए सरप्राइज, एंड वो बच्चा बोलता है नहीं आज तो मेरा मेथी का पराठा खाने का मन था, एंड दिस मदर इज लाइक कल तो तुमने कहा था कि तुमको वही खाना है, तो उसने कहा कि कल मेरा मूड था लेकिन आज मेरा मूड तो ये खाने का है, आज मेरा मूड खत्म, चेंज हो गया। दिस इज वॉट, ये तो एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल मैंने बताया, पर हम बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए लाइफ में, बड़ी बड़ी सिचुएशंस के लिए लाइफ में यही करते हैं। यू नो वॉट, जो चीज़ हम आज हमारे पास है हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, हम कहते हैं हमें तो कुछ और चाहिए, हमें हम तो वो सोच रहे थे, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि जो आज हमारे पास है वो एक दिन हमारी विश थी, तो वो हमें यूनिवर्स ने दिया, लेकिन अब जब ये हमारे पास है तो हम कहते हैं नहीं हमें ये नहीं, हमें तो कुछ और चाहिए, इसका मूड चेंज हो गया, अब नहीं चाहिए ये, इसकी मेरे को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। This is what we do. So gratitude is something, आपके पास जो भी है, जो भी चीजें हैं उसके लिए grateful होना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप ही के subconscious से, आपकी wishes की वजह से, आपके desires की वजह से आपके पास है। This is what we never understand, क्योंकि ये शक्ति हमारे पास है कि हम सोचते हैं और वो पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाता है, तब तक हमारा मूड चेंज हो जाता है और हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमने मांगा ही नहीं, हमने तो अब कुछ और मांगा है, करेक्ट। सो हम उसके बाद ब्लेम किसको देते हैं, डेस्टिनी को, यूनिवर्स को, गॉड को, कि हमें तो भगवान दे ही नहीं रहा है। सो देखिए, इट्स नॉट लाइक दैट, जब भी जो भी है हमारे पास हमें उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। ओके, लेट्स टेक इट कि एक नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन वैसे तो कुछ नहीं होती है, बस एक टफ सिचुएशन होती है, हम उसको नेगेटिव का नाम दे देते हैं, एक टफ सिचुएशन है, और उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि ओ हो लाइफ में इतना ये चल रहा है, ये सिचुएशन आ गई, ये इतनी प्रॉब्लम आ गई, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों आ गई, दिस इज व्हाट आर यू नो थॉट्स एट दैट टाइम। आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपको अगर आप इतना ज्यादा एंग्जाइटी लाएंगे, एंग्जियस फील करेंगे, हर टाइम ये सोचेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, पता नहीं ये सिचुएशन क्यों आ गई मेरी लाइफ में, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, एंड ऑल दैट स्टफ, यू विल स्टार्ट कीप ऑन थिंकिंग, अपने आप को स्ट्रेस में डालेंगे, ऑल द टाइम सैड फील करेंगे, डल फील करेंगे, टेंशन हो जाएगी, और जितने भी आप नेगेटिव इमोशंस इसके साथ लगा सकते हैं आप लगा सकते हो, और वो सब कुछ हम उस टाइम सफर करते हैं, पर वो सिचुएशन जो है ना वो लंबी हो जाती है, क्योंकि इट्स सेम लाइक यू नो व्हेन देयर इज अ काइंड ऑफ बोरिंग डे, नथिंग टू डू, एंड वो दिन बहुत लंबा खिंच जाता है।
या फिर कोई अनवांटेड कंपनी होती है कि आप उनके साथ में कुछ ज्यादा समय व्यतीत करना नहीं चाहते लेकिन आपको बैठना पड़ रहा है उनके साथ, तो आपके लिए वो टाइम लंबा हो जाता है। लेकिन जब आप बहुत खुश होते हैं और बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ समय बिता रहे होते हैं, तो वो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए जब हमारा हैप्पीनेस का टाइम होता है तब वो टाइम ऐसे निकल जाता है, लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर कोई टफ सिचुएशन आती है वो टाइम लंबा हो जाता है, क्योंकि हम उसके बारे में इतना सोचने लग जाते हैं, टेंशन लेने लग जाते हैं कि वो एक तो ऑलरेडी है वो, उसके अंदर हम अपना स्ट्रेस डाल देते हैं, एंजाइटी डाल देते हैं, टेंशन डाल देते हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग डाल देते हैं, और वो टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है और हमारे लिए जितना है वो तो है लेकिन हमें लगता है कि वो लंबा हो गया। सेम वेज जैसे हमें बोरिंग डे लगता है जबकि वो 24 आवर्स का ही होता है लेकिन वो लंबा खिंच जाता है, और हैप्पी डे जो होता है वो ऐसे निकल जाता है। तो इसीलिए उस टाइम पे करना क्या है, स्टार्ट काउंटिंग ऑन योर ब्लेसिंग्स, स्टार्ट काउंटिंग ऑन दोज थिंग्स जो कि आपकी लाइफ में उस टाइम पॉजिटिव हो रही है। ये तो हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में सब कुछ टफ चल रहा हो उस टाइम पे, दिस इज फॉर श्योर। यू स्टार्ट काउंटिंग ऑन दैट, आप जैसे ही लिखना शुरू करेंगे या सोचना शुरू करेंगे आपको इतनी सारी पॉजिटिव सिचुएशंस और पॉजिटिव थिंकिंग थिंग्स मिल जाएंगी कि आप कहेंगे कि वो ये तो एक ही सिचुएशन है जो कि खराब लग रही है, मुझे टफ लग रही है, बट अच्छी वाली तो बहुत सारी है। लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ जिनकी तरफ आप देख ही नहीं रहे उस टाइम पे, आपका पूरा फोकस चला गया है कि इस टफ सिचुएशन से कैसे हैंडल किया जाए। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, एवरी डे यू नीड टू स्टार्ट योर काउंट यू नो ब्लेसिंग्स, स्टार्ट काउंटिंग ऑन योर ब्लेसिंग्स, अपनी जो भी आपके लाइफ में पॉजिटिव थिंग्स हो रही हैं। लेट्स से ये ही कितना पॉजिटिव है कि हम फिट हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, हम हंस पा रहे हैं, ये कितनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। ये तो छोटी छोटी हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी आपकी लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशंस चल रही होंगी उस टाइम पे। हो सकता है कि इस टाइम पे इस बिजनेस में कोई थोड़ा सा डाउनफॉल आया है लेकिन दूसरे बिजनेस में या फिर दूसरी जगह पे या कोई और सोर्स ऑफ इनकम आपका बना हुआ है या वहाँ से कोई अर्निंग्स आ रही हैं या आपको कोई और यू नो कहीं पे और प्रोग्रेस मिल रही है, किसी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पा रहे हैं, इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है, ये टफ सिचुएशन कैसे जाएगी। सो जस्ट स्टॉप थिंकिंग ऑन दैट, स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड, स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ। आप जैसे ही ये करना स्टार्ट करेंगे आप अपने आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, और सबसे बड़ी चीज जो ये सिचुएशन आपको टफ लग रही है इसके लिए सॉल्यूशन आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा कि इससे कैसे निकला जाए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो प्रॉब्लम तभी बनती है पहले उसका सॉल्यूशन बनता है, करेक्ट। सो सॉल्यूशन इज देयर, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ब्लॉक हो गया विजन, हम इसी को देख रहे हैं, प्रॉब्लम को देखते जा रहे हैं, उसके आगे जो सॉल्यूशन पड़ा है उसको हम देख ही नहीं रहे हैं। सो स्टॉप जस्ट सीइंग दिस प्रॉब्लम एट दिस काइंड ऑफ विद दिस काइंड ऑफ एस्पेक्ट कि यही है, इसको थोड़ा सा जंप इन करके देखिए बाहर उसके दूसरी साइड पे सॉल्यूशन भी है। सो इसीलिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए टू दैट यूनिवर्स, टू दिस गॉड, जिन भी पावर्स में आप मानते हैं, और हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होइए, एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस टफ सिचुएशन, डोंट गेट एंग्जियस, डोंट जस्ट पुट योर एंग्जायटी इन इट। आप पॉजिटिव चीजों को देखिए, ये सिचुएशन ऐसे ही निकल जाएगी जैसे हैप्पी टाइम निकलता है, तो इसीलिए हर एक टाइम निकल जाएगा। हमें अपने आप को द फोकस इज टू कीप आवर माइंड, कीप आवर हार्ट, कीप आवर सेल्फ, आवर सोल हेल्दी, फिट, हैप्पी ऑल द टाइम, क्योंकि ये सिचुएशन निकल जाएगी और जब अच्छा टाइम आएगा उस टाइम पे पता चले कि आपने कुछ अपने एंग्जाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से अपने आप को कोई और प्रॉब्लम लगा ली, तो फिर आप हैप्पी कैसे फील करोगे। सो इसीलिए टाइम तो निकल ही जाएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और पॉजिटिव अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट करना है, उनको लिख सकते हैं आप जर्नल में, लिखिए। द मोमेंट यू विल स्टार्ट राइटिंग इट, अभी आपको लग रहा होगा कि लिखेंगे तो क्या एक दो तीन चीजें निकलेंगी, आई
प्रॉमिस आप लिखना स्टार्ट कीजिए, इट विल बी एंडलेस, इट इज गोइंग टू बी एंडलेस. सो मेक इट अ हैबिट, डेली बेसिस पे 10 ब्लेसिंग्स या 10 पॉजिटिव थिंग्स जो आपके साथ हो रही हैं वो लिखिए. आई जस्ट गारंटी दिस कि 10 से ज्यादा ही हो जाएंगी वो. डेली बेसिस पे एक जर्नल बना लीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए एंड यू विल बी ग्रेटफुल. ग्रेटिट्यूड पे करेंगे तो लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आएगी ऐसे निकल जाएगी, चाहे वो टफ हो, हैप्पी रहेगा ऑल द टाइम. ओके, सो स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल टू योर लाइफ, टू एवरीवन अराउंड यू.